तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का वीडियो जो होगा हमारा बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि इसमें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 150 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आप संपूर्ण भूगोल के क्वेश्चन रहने वाले हैं और आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन बनता है गाइस कि इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुण ग्रह। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ग्रह कठोर सतह वाला नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बुध ग्रह। नेक्स्ट है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह जो है वो ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बुध ग्रह का जो कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन बनता है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी के परिता चक्रण करने में सबसे कम समय लेता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी। इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल ग्रह। नेक्स्ट है, किस ग्रह को सांध्य तारा या इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। अगला है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह विद्यमान हैं। तो ऑप्शन सी, मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में अधिकतम समय लेता है। तो ऑप्शन बी, बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। तो ऑप्शन बी, सूर्य। और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन सा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, पिछले 125 वर्षों में पृथ्वी पर रेगिस्तान का जो परसेंटेज है, क्षेत्रफल कितना बड़ा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 11%। अगला है, आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वां। अगला, दिन और रात की अवधि में भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है। तो ऑप्शन सी, पृथ्वी का 66.5 डिग्री के कोण पर झुका होना। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सर्वाधिक और न्यूनतम तापमान क्या मापा गया है। तो ऑप्शन सी, 58 डिग्री सर्वाधिक और -88 डिग्री न्यूनतम। अगला, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुवों पर। एक और क्वेश्चन है, स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है। ऑप्शन बी, पृथ्वी का पटल या भूपृष्ठ। अगला है, एपी सेंटर अधिकेंद्र है। तो ऑप्शन है, धरातल के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, दिन और रात किस कारण से होते हैं। तो ऑप्शन बी, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से। पृथ्वी की आयु का अनुमान खालिस्तान से लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए, यूरेनियम डेटिंग से। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपनी काल्पनिक धुरी पर एक बार की घूर्णन अवधि कितनी है। तो ऑप्शन सी, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड। अगला है, पृथ्वी व सूर्य की निकटतम दूरी वाली स्थिति को कहते हैं। तो ये कहते हैं ऑप्शन बी, अपसौर। अगला, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है। तो ऑप्शन ए, 4 जुलाई को। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो ऑप्शन डी, बी और सी, मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर। अगला, पृथ्वी पर कितने परसेंट जल है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 70%।
अगला है, भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है? तो ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। अगला है, एक डिग्री अक्षांश घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो ऑप्शन बी 4 मिनट। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो ऑप्शन ए भूमध्य रेखा। क्वेश्चन है गाइस, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, तो ये हो जाएगा, तो 31 का होगा ऑप्शन डी भूमध्य रेखा पर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जो टेम्परेचर होता है वो घटता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने से क्या होता है? तो ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अगला है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अंश झुकी हुई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 23.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव पर बड़े से बड़े दिन किस अवधि का होता है? तो ऑप्शन डी 6 महीने का होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए सियाल है, सीमा, निफे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय है? तो ऑप्शन सी ग्रीन बिच से समय से 5.5 घंटे आगे। सितारे का रंग क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन ए तापमान। अगला है, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता वह है? तो ऑप्शन सी पृथ्वी की परिक्रमण गति। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या होता है? ऑप्शन सी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की घूर्णन अवधि है? तो ऑप्शन बी 28 दिन। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डोल्ड्रम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन सी कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। इनमें से कौन सी अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा है? ऑप्शन ए 180 डिग्री देशांतर। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल के किसी भाग के ऊपर उठने से बने मैदान को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी संरचनात्मक मैदान। महाद्वीपों का निर्माण तो ये किससे हुआ है? ऑप्शन बी सियाल परस से हुआ है। अगला है, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी क्रेटर। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन डी मध्य अटलांटिक कटक। रॉकी पर्वत समूह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी उत्तर अमेरिका। और आल्पस पर्वत श्रृंखला कहाँ है? ऑप्शन डी यूरोप में। नेक्स्ट है, नवीनतम पर्वतमाला है? तो ऑप्शन डी यूराल। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है, वायुमंडल की परतों को पृथ्वी से ऊपर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें व कूट की सहायता से उत्तर दें। तो ऑप्शन सी, तो ये देखिए, पहले आएगा क्षोभ मंडल, फिर आएगा समताप मंडल, फिर आएगा ओजोन मंडल, फिर आएगा बाह्य मंडल। नेक्स्ट है, ओजोन मंडल किस वायुमंडलीय परत में अवस्थित है? तो ऑप्शन बी समताप मंडल। ऊंचाई बढ़ने से तापमान में क्या होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी गिरावट आती है। अगला है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है ये सभी, मतलब मौसम में बदलाव, ग्लेशियर का पिघलना, सागर का जलस्तर बढ़ना। अगला है, वायुमंडलीय गैस जो हरित ग्रह प्रभाव के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, वायुमंडलीय परत जो सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह है? तो ऑप्शन ए ओजोन मंडल। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितनी है? ऑप्शन बी 0.03। एक समुद्री मील की लंबाई कितने मीटर की होती है? 1605 मीटर की। अगला क्वेश्चन है, बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? ऑप्शन बी भूकंप केंद्र कहलाता है। अगला, 9 से अधिक रिएक्टर स्केल में भूकंप औसतन कितने वर्षों में पृथ्वी पर आता है? ऑप्शन डी 50 वर्षों में एक बार। अगला, इनमें से किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी
प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसोबार। अगला, हिमरेखा किसको कहते हैं, तो ऑप्शन ए, उस काल्पनिक रेखा को जिसके ऊपर सदैव बर्फ रहती है। अगला है, पृथ्वी की पपड़ी में दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में धातु है, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, खनिज क्या है, तो खनिज जो हैं ये सभी हैं, मतलब तरल पदार्थ हैं, अकार्बनिक ठोस हैं, गैसें हैं। अगला, एंथ्रेसाइट क्या होते हैं, तो एंथ्रेसाइट जो होते हैं एक प्रकार का खनिज होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बॉक्साइट से निकाली जाती है, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है, ऑप्शन डी यूरेनियम। और नेक्स्ट है, हेमेटाइट अयस्क निम्न में से किस धातु से संबंधित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी लौह। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर किसका कायांतित तरित रूप है, ऑप्शन डी चूना पत्थर का। बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है, तो ऑप्शन बी क्वार्ट्ज में रूपांतरित हो जाता है। जीवाश्म किस प्रकार की सेल रॉक्स में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी परतदार सेल। नेक्स्ट, प्रकृति से मिलने वाला कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है, स्वरूप क्या है, ऑप्शन सी कार्बन ब्लैक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, ऑप्शन बी मृत सागर। नेक्स्ट है, किन दो महासागरों को पनामा नहर जोड़ती है, ऑप्शन ए प्रशांत तथा अटलांटिक। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है, तो ऑप्शन बी स्वेज नहर। ऑप्शन है, स्वेज नहर किसे जोड़ती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी लाल सागर तथा भूमध्य सागर को। अगला, इनमें से कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है, तो ऑप्शन डी कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन बनता है, कर्क रेखा जिस राज्य से नहीं गुजरती वह राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन बी ओडिशा। भारतीय राज्य जिससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती वह कौन सा है, तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट है, निम्न में से हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो ऑप्शन सी बलित। भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऑप्शन ए कंचनजंगा। अरावली पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित हैं, तो ऑप्शन बी राजस्थान। नेक्स्ट है, हिमालय में कश्मीर घाटी निम्नलिखित पर्वतमालाओं में से किन के मध्य अवस्थित है, ऑप्शन सी जस्कार और पीर पांजाल। अगला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन डी 8 राज्यों से। भारत में मालाबार तट किस ओर है, तो ऑप्शन ए पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक मध्यान रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन डी इलाहाबाद। और अगला है, ग्रीष्म तथा शीत दोनों ही ऋतु में भारी बारिश किस राज्य की विशिष्टता है, तो ऑप्शन बी तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन बनता है, प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है, तो ऑप्शन डी पश्चिम से पूर्व। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून पवनों का वृष्टि छाया क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन सी तमिलनाडु। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीपों में। अगला है, भारत में वर्षा मुख्यतः, तो ऑप्शन डी पर्वतीय हैं। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र है, तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है वह कौन सी है, ऑप्शन ए काली। भारतीय मृदा में कमी है, तो भारतीय मृदा में क्या कमी है,
तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन की। किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य किसकी जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है वह है? तो ये ऑप्शन डी गुजरात। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद आपका दिन।